हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको साइड कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। अगर आपको अपनी कुर्ती की लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आपको कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा इसमें ज़रूर चाहिएगा। इस कपड़े को मैंने लंबाई में से पूरा खोल लिया है, इसको सिंगल कर लिया है और सबसे पहले हम इसका पीछे का पीस निकालते हैं। आप जैसे अपनी नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम तरीके से हम इसको पहले यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे और अपनी नाप के अकॉर्डिंग और लंबाई के अकॉर्डिंग आप पहले इसमें से पीछे का पीस निकाल लें। अपनी नाप के अकॉर्डिंग ये मैंने साइड में से पीछे का पीस निकाल लिया है और इसके बाद हम इसमें जितने गले की चौड़ाई रखेंगे उतने इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारे गले की चौड़ाई का कट है और इस कट से करीब 1.5 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। हमने ये जो गले की चौड़ाई से 1.5 इंच इधर ये जो कट लगाया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा उल्टा है और इसको हम इस तरह से बिल्कुल सीधा फोल्ड कर देंगे। या तो आप इसके ऊपर प्रेस से क्रीज बना लीजिए या फिर आप इसके ऊपर निशान लगा लीजिए। मैंने पीछे के पीस पर ये प्रेस करके क्रीज बना ली है और इसमें इस तरह से बीच बीच में निशान भी लगा लिए हैं और इसको मैंने ये इसकी सीधी साइड है यानी इसको मैंने सीधी साइड को फोल्ड किया है। इसके बाद हमारा जो साइड में से कपड़ा बचता है इधर से हमने अपने आर्म होल की कटिंग की है और जो हमारा ये कपड़ा है किनारे की साइड से इसको मैंने उल्टा रखा हुआ है और किनारे की साइड से मैंने इसको करीब 1.5 इंच बिल्कुल सीधा अपनी कुर्ती की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई में मैंने इसको 1.5 इंच पट्टी इसकी फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर ली। इसके बाद हम अपने पीछे वाले पीस को इस तरह से खोल लेते हैं। ये हमारी क्रीज है, हमें दिखाई दे रही है और इसके ऊपर निशान भी है। ये हमारे पीछे का जो पीस है इसका उल्टा हिस्सा ऊपर की साइड है और सीधा हिस्सा बाहर की साइड है। इसके बाद हमने ये जो अपनी 1.5 इंच की पट्टी अंदर की साइड को फोल्ड की है इस कपड़े को हम सीधा रखते हैं यानी इसकी सीधी साइड बाहर की साइड है और इसकी भी सीधी साइड बाहर की साइड है और इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पर जो हमारे निशान है जो हमारी फोल्ड पट्टी है बिल्कुल इस निशान के ऊपर हम इसको रखते हैं नीचे तक। और आप चाहे तो इसके ऊपर कच्चा कर लें और नहीं तो आप इसके ऊपर पिन लगा लें नीचे तक। मैंने इसके ऊपर यहाँ पर पिन लगा लिए हैं और इसके बाद हम इसको उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से। उल्टा करने के बाद देखिए हमारा ये यहाँ पर इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। आपको शायद कपड़े का कलर ऐसा है दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वैसे आप बिल्कुल बिना निशान लगाए भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और निशान लगा कर भी। अब हम पीछे के पीस के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड के आगे के पीस की कटिंग हो गई है और इसके बाद हम अपने पिन निकाल देते हैं। और हमने ये जो पट्टी अंदर को फोल्ड की हुई है यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं इस साइड भी और नीचे की साइड भी। इसके बाद हम अपने पीछे के पीस को उसी तरह से उसी क्रीज के ऊपर फोल्ड करते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है और जो हमारा नीचे से बचा हुआ कपड़ा है उस पर भी हम इसी तरह से किनारे की साइड से 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड करते हैं और उसको हम इस तरह से रखते हैं। इस कपड़े को हम सीधा रखेंगे यानी इसकी भी सीधी साइड बाहर की साइड होगी, उल्टी साइड अंदर होगी और इसकी भी सीधी साइड बाहर होगी। इसको हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सीधा और इस पर भी हम सेम तरीके से पिन लगा लेते हैं और पिन लगाने के बाद इसको भी हम
इस तरह से उल्टा कर लेंगे। कपड़े को पलटने के बाद अब हम इसकी पीछे के हिस्से के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं पर इसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए। अब इसके भी हम पिन निकाल देते हैं और इसमें भी जितनी पट्टी हमारी अंदर फोल्ड है उतनी पट्टी पर हम दोनों साइड में कट लगा लेंगे। ये हमारे आगे के पीस इस तरह से आएंगे और हम इनकी जो सिलाई करेंगे वो इस तरह से करेंगे। जो पट्टी हमारी नीचे आएगी उसको हम पहले इस तरह से खोल लेंगे। ये हमारी किनारी है, इसको हम थोड़ी सी पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी तो हमारी इस तरह से होगी और जो पट्टी हमारे ऊपर आएगी उसको हम थोड़ी सी ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे इसी क्रीज के ऊपर और ये पट्टी हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये पट्टी थोड़ी हमारी नीचे बढ़ के हो जाएगी और ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। आप इसमें पोटली बटन भी लगा सकते हैं और आप इसमें सिंपल बटन भी लगा सकते हैं काज बटन करके, और नीचे से थोड़ा आप इसको खुला रख ले, वो आपकी अपनी चॉइस है। पहले आप इसको तैयार करेंगे उसके बाद आप अपना नेक वगैरह बनाएंगे और हम आगे के मुड्ढों को इसके बाद ही गहराई देंगे। और स्लीव्स की कटिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी आपको स्लीव्स लगानी है। ये हमारी नीचे वाली पट्टी है, यानी जो पट्टी हमारी नीचे की साइड आएगी, यहाँ पर हमारा ये कट लगा हुआ है और ये क्रीज भी बनी हुई है, इसमें हमारी किनारी है। तो इसको हम इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें किनारी है। और अगर आपके कपड़े में इधर किनारी नहीं है तो आप पहले थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करिए और फिर ऐसे फोल्ड करिए। तो मैं इसको केवल इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे नीचे तक, जो हमारी एक क्रीज बनी हुई है यहाँ तक हम इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो पट्टी हमारी नीचे आएगी उसको हमने जो हमारे कट लगा हुआ है यहाँ तक इस तरह से फोल्ड किया है, और जो पट्टी हमारे ऊपर आएगी इसको हमें यहाँ पूरा इस कट तक फोल्ड करना है। यानी इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से। आप इसकी चौड़ाई अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर इस तरह से आएगी। ये पट्टी मोड़ने के बाद हमें ये पट्टी ऊपर रखनी है और ये पट्टी नीचे रखनी है। तो हमें इस तरह से इस पट्टी को रखना है और जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, और नीचे से हमें करीब 12.5 या 13 इंच ओपन छोड़ देना है, यानी खुला छोड़ देना है जितना आपको खुला रखना है, और करीब 1.5 से 2 इंच हमारा नीचे से मोड़ने में आ जाएगा। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है नीचे से हमारी ये वाली पट्टी इसमें जुड़ जानी चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सिलाई हमें इसी सिलाई के ऊपर लगानी है। जैसे हमें इतना हिस्सा ओपन रखना है तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं और उसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इसको हम एक बार और पक्का कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहती हूँ। मैंने अपने जो शोल्डर की लंबाई ली है वो 14 इंच ली है, यानी फोल्ड करके 7 इंच। और अगर आप अपने शोल्डर की जो लेंथ है वो कम रखना चाहते हैं, सपोज करिए 5 इंच या 6 इंच आप इतना रखना चाहते हैं, तो आपकी इधर कम जगह बचेगी। जैसे मेरी इधर करीब करीब 4.25 इंच जगह बच रही है, तो मैंने यहाँ से गले की चौड़ाई से 1.5 इंच की दूरी पर मैंने ये निशान लगाया है यहाँ पर। तो आप उसे 0.5 इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं, उससे कम इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं। सपोज करिए आपके यहाँ पर 2 इंच जगह है, गले से इधर केवल 2 इंच जगह बचती है, तो आप केवल 0.5 इंच जगह इधर छोड़ दें गले की साइड और फिर ये पट्टी फोल्ड करके तब इसकी नाप लें।
और इसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें अपनी कुर्ती की स्टिचिंग करनी है, जैसे हम अपनी बाकी कुर्तियों की स्टिचिंग करते हैं, जैसा आपको नेक बनाना है, जैसी स्लीव्स बनानी है, बिल्कुल सेम तरीके से। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी मैंने स्टिचिंग की हुई है। ये इसके चाक इस तरह से छोड़ने हैं और इतना हिस्सा इसका मैंने ओपन रखा है। और इसके ऊपर ये मैंने मैचिंग के बटन बनाकर लगाए हैं। अगर आपको ये बटन बनाने और लगाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका नेक मैंने छोटा रखा है, इतना नेक ही मैंने इसका पीछे से रखा है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसका नेक बना सकते हैं कोई भी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।